नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज बनाएंगे माता रानी का शाम का भोग, जिसमें फरार बनता है नमक का। तो हम आज बनाएंगे इसमें कूटे का आटे का पराठा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए हमें आलू को उबालना होगा। उबले हुए आलू को हम कद्दूकस करके उसको कस लेंगे। आटे से ज़्यादा ही आलू पड़ते हैं उसमें, इसलिए आप अपने हिसाब से आलू को कस लीजिएगा जितना आपको पराठे बनाने हो। तो मैंने आलू को कसने के बाद उसमें मिलाया था छानकर कूटे का आटा। आप चाहो तो इसमें सिंघाड़े का आटा भी मिक्स कर सकते हो कूटे के साथ। मैंने कूटे का आटा ही डाला था उसमें सिर्फ, और उसको एक आटे की तरह मार लिया था। आप ज़्यादा देर पहले मत मार के रखिएगा, आप जब बनाओ तभी मारिएगा हथियार, नहीं तो ये पानी छोड़ देता है, बहुत ढीला हो जाता है। और आप इसमें पानी बूटी में डालिएगा, ऐसे ही मारिएगा, ऐसे ही मर जाता है बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद आप उसको बेल लें। अगर आपसे ऐसे ना बेला जाए तो आप इसको एक पन्नी में अंदर डालकर उसे बेल सकते हैं, तो बहुत ईजीली ये छूट जाता है। और तवे पर डालकर इसको सेक लें अच्छे से। आप चाहो तो देसी घी से सेक लीजिए, मैंने मूंगफली के तेल से सेका था, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग पूड़ी और कचौड़ी से बोर हो गए हो तो एक बार ट्राई कीजिएगा कूटे के आटे का पराठा। जैसे मैंने बनाया आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो पराठे तो हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप इसके साथ खाने के लिए चाहे तो लौकी की सब्जी बना लीजिए, चाहे अरबी की, या फिर आप आलू भी बना सकते हैं तरी वाले, जैसे आपका मन हो आप वैसे बना लीजिएगा। मैं आपसे बहुत जल्दी लौकी की रेसिपी शेयर करूँगी जो मैंने बनाई थी इसके साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने तो अपनी माता रानी की थाली तैयार कर ली है भोग की। तो आप लोग भी इस तरीके से कूटे के आटे के पराठे विद आलू या लौकी या अरबी, जो भी कुछ आप बनाएँ उसके साथ माता रानी का भोग लगाएं। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी के साथ। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर।